तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मैं आज भी एक नया ड्राइंग देने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहना। ये भी डिज़ाइन कुछ आप लोगों को जाना ही पहचाना है, लेकिन कितना भाई लोगों को बनाने में दिक्कत होता होगा, ठीक है। तो ये जो भाई नए नए मेरे चैनल पे आते हैं, जो सीखने की कोशिश करते हैं भाई पीओपी के काम, वो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि वो लोग डिज़ाइन देखते होंगे, अगल बगल में डिज़ाइन देखते होंगे, कोई मालिक भी दिखाता होगा उनको, तो उनको बनाने में काफ़ी दिक्कत होता होगा, ठीक है। तो उन्हीं लोग के लिए ये डिज़ाइन है, और जो भाई इस डिज़ाइन का ड्राइंग जानना चाहता है वो भी देख सकता है, नहीं तो कोई भाई बोलता है कि भाई मैं डिज़ाइन बना लिया हूँ, तो भाई कोई बात नहीं, आप बना लिए हो, कोई बात नहीं। तो भाई आप समझ लो कि ये फैन बक्स आपका हो गया, ठीक है, ये फैन बक्स आपका हो गया। तो फैन बक्स के ऊपर से आपको क्या करना है, सूता लगाना है, एक सूता लगाना है, ठीक है, एक सूता पहले लगाना है। आप लोगों को मैं एक सूता लगा के दिखाता हूँ, एक सूता लगाना है, एक सूता आपको लग गया, ठीक है। अब क्या करना है, एक सूता के बाद से हमको क्या करना है, एक सर्कल लेना है, और याद रखना फ्रेंड्स, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हमको मिटाना पड़ेगा सर्कल को, ठीक है। सिर्फ हम निशान लगाने के लिए सर्कल को लेंगे, ठीक है। तो आप निशान लगाने के लिए सर्कल आप ले सकते हो, लेकिन हम इस सर्कल को फिर मिटाएंगे। इस सर्कल को कोई काम मतलब नहीं है, ठीक है। इस सर्कल का मतलब इतना ही है कि हमको डिज़ाइन बनाने में मदद करेगा, और मदद किया करेगा तो छः सूता निकालने में मदद करेगा ज़्यादा करके। ठीक है, तो ये हो गया मेरा छः सूता निकालने का ट्रिक, ठीक है। तो आप छत पे भी ये ट्रिक को आजमा सकते हो, ये नहीं कि भाई पेंसिल से बना रहा है तो पेंसिल से हम लोग ऊपर निकालने, नहीं, आप भी बना सकते हो ये ट्रिक से, मतलब बहुत अच्छा आपको ये रिजल्ट मिलेगा। हम कहीं भी बनाते हैं छः सूता के लिए तो हम यही काम करते हैं, ठीक है। अगर ये आप दूसरा तरीका आजमाते हो तो आप अपने पसंद से आजमा सकते हो, लेकिन मैं यही ट्रिक को इस्तेमाल करता हूँ कहीं भी छः सूता घुमाना हो तो, ठीक है। तो पहले छः सूता तो हो गया, पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तो भाई ये छः सूता आप लोग का तैयार हो गया है, और एक को हम मिटा भी दिए हैं सारा जो राउंड था, सर्कल था। अब इस पर से क्या करना है हम लोगों को, देखो इस पर से भी मतलब आप लोगों को कुछ दिमागी से काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये बन पाएगा डिजाइन, ठीक है। और एक बार बताता हूँ, इस बार भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। क्या अब बताता हूँ क्या बताऊँगा, ये भी देख लो आप, ये आप लोगों का फार्मा हो गया, ठीक है। ये डिजाइन बनाने वाला फार्मा हो गया, बीच से लकड़ी रहता है, ये कील आ गया, ठीक है, ये कील आ गया, ठीक है। तो अब करना क्या है, आप लोग किस तरह से पता चला कि डिजाइन कैसे बैठाए, तो देखो जैसे कि ये कील आ गया, इस कील के वजह से और ये फार्मा आ गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे ये कि हम पहले बाहर वाले को गोलाई को हम घुमाएंगे इससे करके, ठीक है। तो ये इतना है, मेरे को बड़ा थोड़ा बनाना है, और बड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा इस फर्मे को। तो आप यहाँ से रखते हो तो इस सेंटर के पास से रखना है, ठीक है, इस सेंटर के पास से थोड़ा थोड़ा मतलब फैन बक्स के बाद में जगह छोड़ना है आपको, ये छोड़ना इसलिए है कि ताकि आपका जो सीट लगे तो अच्छा से बैठ जाए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे यहाँ से कटिंग हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कील आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जगह इतना बच रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो आप,
इतने के लिए, ठीक है, इतने के लिए करोगे बड़ा तो थोड़ा इसको कील को अब बाहर करना पड़ेगा, ठीक है, ये देख लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा हम चलो छोटा ही बना देते हैं ताकि इस पर से थोड़ा बड़ा हमको डिजाइन बनाना है, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ से, ठीक है, चलो ठीक है। ये यहाँ से क्या करेंगे, हम कील का निशान यहाँ आएगा, ठीक है। तो हम पहले इसको एक राउंड करते हैं इतना दोनों साइड से, ठीक है। तो कील के निशान को हम पहले थोड़ा तेज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है। अब इतना जितना जगह इधर छोड़ा है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जगह जितना बचा है उतना इधर भी बचाना पड़ेगा ये चारों तरफ से, ठीक है। तो ऐसे करके आप जगह को यहाँ से आप बचा सकते हो। चलो कील के निशान यहाँ पर आ गया, कील के निशान यहाँ पर आ गया। अब तो हम सारे के सारे पहले कील के निशान को निकाल लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। किधर करना है? इधर देखो, आ गया सारा कील का निशान। ये कील का निशान सारा का सारा यहाँ से आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से इसको कटिंग हुआ यहाँ तक, ये यहाँ तक आएगा आपका डिजाइन। तो आप देख सकते हो कि अगर डिजाइन इस तरह से बैठाते हो आप तो पूरा मतलब सक्सेस हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर जो इस तरह का सूता का निशान लगाते हो तो, नहीं तो क्या होगा कि आपका ये जो है ना ये अंदर ये बड़ा छोटा हो जाता है। तो कील का यही रहेगा निशान। अब इस फॉर्म को हम क्या करेंगे अंदर वाले को हम बनाएंगे, जैसे कि बाहर वाला निशान लगाया था मैं, अब ये अंदर वाला निशान लगाऊंगा यहाँ, यहाँ जो निशान लगता है, ठीक है फ्रेम जो फॉर्म का लगाता है निशान यहाँ पर लगता है फॉर्म का। तो एक मिनट फ्रेंड्स, इसको थोड़ा अंदर करना पड़ेगा मेरे को। तो फ्रेंड्स घबराइएगा नहीं, इसके ऊपर से भी एक डिजाइन बनाना है हमको। तो इस डिजाइन को तो आप कंप्लीट देख सकते हो कि एक एक डिजाइन एक तरीके का कंप्लीट डिजाइन है। तो आप चाहे तो इतना पर ही इसको कंप्लीट कर सकते हो, और नहीं तो इसके ऊपर से भी बनाना है आप लोगों को, भी हम बताएंगे बना के इसी वीडियो में। आप लोग इसको देखते रहिए पूरा। और फ्रेंड्स आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये कहीं भी काम कराएं तो ये मतलब इतना बड़ा बड़ा डिजाइन पुराने दीवार पर मतलब पुराने छत पर ना बनाए, ठीक है, क्योंकि नया छत पर बनाने में कुछ इसका अलग ही मतलब होता है।
और पुराने में काफ़ी दिक्कत भी होगा और मतलब निकलने का भी चांस होता है पुराने दीवार पे इतना बड़ा बड़ा डिजाइन, जितना छोट रहे पुराने पे वो अच्छा रहेगा, तो इस बात को भी ध्यान रखना आप। तो ये तो किल का निशान ये वाला तो हो गया, इसको तो हम अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको मिटा सकते हो, इसको आप पीओपी से भर सकते हो जो सुराग होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ से लेंगे ये आगे वाले को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम। तो इसके लिए पहले फार्मा को अंदर से सेट करेंगे, ठीक है। अब इस फार्मे से देख सकते हो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा है, तो ये फार्मा मतलब ठीक ही है, ठीक है, यहाँ तक कटेगा, ये कटिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कटिंग हुआ तो इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, इस ये निशान तक खुद ही आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा फ्रेंड्स, आपको कोई ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक यहीं तक कटेगा, कटिंग होगा इसका, ये देखो यहाँ से खुद ब खुद यहाँ से ही बनेगा आपका डिजाइन ये। और डिजाइन में वही बताता हूँ जो आप लोगों को बनाने में काफ़ी परेशानी का झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिजाइन है ये जल्दी तैयार हो जाएंगे, ये दो बार में बनाओगे अब जल्दी तैयार हो जाएंगे डिजाइन, आप लोगों को ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया फ्रेंड्स आप लोगों का बाहर के मतलब अंदर वाला, ये अंदर वाला के निशान हो गया, ठीक है। अब इस फार्म को हम बाहर वाला निशान करेंगे, जैसे कि यहाँ के ये निशान लगाएंगे, ठीक है। तो अंदर वाला निशान लगा दिए, अब हम बाहर वाले को निशान लगाएंगे। समझ लो कि आप लोगों फार्मा सेट किए हो इतना पर, तो इतना से फिर इतना पर कर लेना, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा क्या खोलोगे कसोगे, उससे अच्छा है कि इतना पर ही आपको डिजाइन तैयार हो जाएगा। लेकिन बाकी आप लोगों का मर्जी है, आप चाहे तो बड़ा भी कर सकते हो इस डिजाइन को, लेकिन बड़ा उतना अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि खुद बड़ा हो जा रहा है डिजाइन, इतना बड़ा अब इससे बड़ा क्या बनाओगे आप, जब छत पे बनाओगे तो बहुत बड़ा ही दिखेगा डिजाइन। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस डिज़ाइन को बनाने में तो काफ़ी मेहनत तो लगेगा, लेकिन ये है आसान बनाने आप लोगों को, ठीक है। इसमें बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, अगर नए छत पर बनाते हो तो, और काफ़ी दिन तक ये चलेगा भी, क्योंकि पुराने पर इतना बड़ा बनाओगे आप निकलने का भी मतलब डर होता है, क्योंकि पुराने में मतलब इतना टकाई मारना और प्लस में इसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप इस डिज़ाइन को भी बना सकते हो आप, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए नए नए डिज़ाइन का मैं ड्राइंग देता हूँ। चलिए आज के यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं।